हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा है और हम यहाँ पे मैकेनिकल के फर्स्ट कोर्स के अंदर अभी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हमारा टॉपिक शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट चल रहा है। उसके अंदर हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर इस पर पॉइंट लोड के ऊपर एक क्वेश्चन किया था और उससे लास्ट वाली के अंदर हमने उसका कंसेप्ट समझा था। आज हम UDL के बारे में बात करेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसके कंसेप्ट के बारे में समझेंगे और इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये होता है अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं हम, उसके बाद पूरी बीम के ऊपर ये फोर्स लगा हुआ होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लाइक जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर होगा, उतना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा। इसकी लेंथ अगर हम एल ले लेते हैं और ये कितना होगा वेट इसका, अगर हम देखते हैं कि कितना फोर्स लगा रहा है तो उसको हम डिनोट करते हैं लाइक वेट किलो न्यूटन के अंदर या फिर न्यूटन के अंदर पर मीटर। ये हर मीटर का मतलब एक मीटर के अंदर कितना वेट आ रहा है। लाइक आप इसको यूज कह दीजिए न्यूटन पर मीटर के अंदर, इसका पॉइंट ले लीजिए ए बी। तो अभी हम इसके कंसेप्ट को जानते हैं, इसके बाद हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि सब के मतलब सबसे पहले वही हमारा कि सबसे पहले हम इसके जो इसके सपोर्ट्स हैं इसके ऊपर हम निकालेंगे फोर्स, उसके बाद हम इसका शेयर फोर्स निकालेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम निकाल लेंगे बनाएंगे, फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स में तो कुछ है ही नहीं तो ऑलरेडी ज़ीरो ही है, तो फोर्स इन वाई शुड बी ज़ीरो। वाई में क्या कौन कौन सा लग रहा है, हमने अज्यूम किया कि ये ऊपर लग रहे हैं, ऊपर नीचे किधर भी लग सकते हैं पर हमने अज्यूम किया कि ऊपर लग रहा है। इधर क्या लगेगा आर ए, इधर क्या लगेगा आर बी। अब डब्ल्यू है वेट है, वेट ऊपर से कहाँ लग रहा है नीचे की साइड लग रहा है, नीचे की साइड लग रहा है और कितना लग रहा है डब्ल्यू पर मीटर, पर मीटर लग रहा है। तो फिर अब डब्ल्यू पर मीटर है इसका मतलब एक मीटर के अंदर डब्ल्यू है तो एल के अंदर कितना होगा डब्ल्यू इंटू एल। तो आर ए ऊपर लग रहा है, ऊपर अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं अपर साइड पॉजिटिव, ऊपर अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो आर ए पॉजिटिव प्लस आर बी पॉजिटिव माइनस डब्ल्यू इंटू एल, क्योंकि डब्ल्यू कितने का है पर मीटर है तो एक मीटर के अंदर डब्ल्यू है तो एल मीटर के अंदर कितना होगा डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल टोटल कितना होना चाहिए ज़ीरो। तो आर ए प्लस आर बी कितना आ गया डब्ल्यू इंटू एल। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन होगी हमारी मोमेंट को कंजर्व करके, वो होगी समेशन ऑफ मोमेंट एम इक्वल टू ज़ीरो। एम इक्वल टू ज़ीरो का मतलब इस पे हम ज़ीरो ले लेंगे, तो आर ए का तो ज़ीरो हो गया। अब ये आर बी का, आर बी का एक केस है हमारा ये एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज आर माइनस ले लेते हैं माइनस आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एल। अब देखते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू नीचे की साइड लग रहा है पर यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी, 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 सब जगह पर लग रहा है। तो अब इसको हम क्या करें, तो हम एक्चुअल में इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पर होगा हम इसको वहाँ पे अज्यूम करेंगे कि पूरा लोड कॉन्सेंट्रेटेड। और सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है सेंटर पे, तो सेंटर क्या है इस पूरे का ये यहाँ पे, यहाँ पर कितना ही एल बाई टू, एल बाई टू पे होगा ना क्योंकि इधर से भी जितना होगा उतना भी इधर से होगा सेम है तो फिर। और एल बाई टू पे अगर हम पूरा माने और पूरा लोड कितना है डब्ल्यू इन टू एल, तो फिर और ये कैसे घुमा रहा है इसको क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा आएगा पॉजिटिव आएगा इंटू डब्ल्यू इंटू एल इंटू, और लेंथ कितनी है इसकी यहाँ से एल अपॉन टू इक्वल टू ज़ीरो। तो आर बी कितना हो गया अगर यहाँ से देखें तो ये इधर से डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू इधर आ जाएगा और एल से एल कट जाएगा तो डब्ल्यू एल अपॉन टू। ये हमारे सेकेंड, अब इन दोनों को करें तो आर बी इतना है तो आर ए कितना आएगा डब्ल्यू एल अपॉन, तो आर ए ये कितना है
एल अपॉन टू है, ये इतना आ गया, इतना फोर्स इधर लग रहा है, इतना फोर्स इधर लग रहा है, तो हमें फोर्स तो पता लग ही गया है। चलिए अब हम इनका शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, शेयर फोर्स निकालते हैं, फिर हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं शेयर फोर्स एट पॉइंट, किस पे निकालेंगे हम, ए पे। चलिए हम यहाँ पे बीम बना देते हैं जिससे कि हमारे लिए फायदा रहेगा, हमें समझने में आसानी होगी। और यहाँ पे कितना लग रहा है, डब्ल्यू एल अपॉन टू, और यहाँ पर भी लग रहा है डब्ल्यू एल अपॉन टू, और इसका कितना है डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर, जो भी आपकी मर्जी हो, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया हो मर्जी है आपकी। तो फिर ये यहाँ पर हो गया। अब हम शेयर पॉइंट है ए पॉइंट बी पॉइंट, शेयर पॉइंट है ए, ए पे देखेंगे हम, तो वही है यहाँ पर, सिर्फ इधर का छुपा लो, सिर्फ इधर का देखो, इधर कौन सा बच रहा है, सिर्फ ए पॉइंट पे डब्ल्यू एल पॉइंट टू, तो ए पॉइंट ए शेयर फोर्स कितना आ गया डब्ल्यू एल अपॉन टू। अब देखिए ए और बी के बीच में इतना सारा फोर्स है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसका मतलब हर एक जगह पे चेंज हो रहा है। हमारा हम क्या था कि हम कोई सा भी ए और बी जो भी पॉइंट लोड होंगे, पॉइंट लोड के बीच में हमेशा आपको लेना है, बस ये याद रखिए, पॉइंट लोड के बीच में हमेशा आपको रीजन लेता है, जो हम रीजन लेते हैं ना ए और बी कि कौन सा रीजन लेते हो, पॉइंट लोड के बीच में हमेशा लीजिए, पॉइंट लोड से दूसरे पॉइंट लोड, इन दोनों के बीच में रीजन लेना है ए बी, और वो हम यहाँ पे फिर एक वो लेंगे, हमने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया माना एक्स डैस एक्स डैस, और वो कितने डिस्टेंस पर है एक्स पर है, अगर वो डिस्टेंस एक्स के ऊपर है तो फिर यहाँ से हमें देखना पड़ेगी इस, अब यहाँ पे आप ढक दीजिए और यहाँ पे इसकी रेंज भी लिख देते हैं। चलो पहले एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से, या फिर ज़ीरो लिख लीजिए, ज़ीरो से एल तक, कैपिटल ज़ीरो से एल तक जा रहा है, ये लिख लीजिए, और यहाँ पे एल पे वो मतलब आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या रूल था, इसके इधर छुपा दो, इसके इधर का पूरा लो। अब इसके उधर का अगर हमें शेयर फोर्स निकालना है ऊपर की साइड पॉजिटिव, तो ये डब्ल्यू एल बाई टू ऊपर लग रहा है, डब्ल्यू एल अपॉन टू ये पॉजिटिव आएगा। अब इसके अलावा इधर का जो ये रह गया वेट, ये भी तो है ना, ये तो है ही, अगर हम इस वाले प्लेन पे देखें, क्योंकि एक्स तो कुछ भी हो सकता है ज़ीरो से एल के बीच में, यही एक्स का, एक्स खुद एक वेरिएबल है, तो ये हमें हर एक पॉइंट का दे देगा यहाँ पे। जैसे हम एक्स की वैल्यू कोई सी भी रखेंगे, थ्री एल बाई फोर या एल बाई टू या फिर एल बाई फोर कुछ भी रखेंगे, तो वो हमें उस जगह पे दे देगा शेयर फोर्स कितना है। तो हम मान लेते हैं एक्स के यहाँ पे, तो एक्स के यहाँ पे ये तो इधर तो ये आ गया, इसके अलावा ये पूरा फोर्स भी है, और हम इधर का मुँह नेगलेक्ट करते हैं पूरा, तो फिर पूरे फोर्स है जो ये वाला जो हम इसी को कंसिडर करेंगे, ये कितना है वैसे इसका डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब एक मीटर में कितना है डब्ल्यू, एक्स के अंदर कितना होगा डब्ल्यू इंटू एक्स, आई थिंक आपको समझ में आएगा डब्ल्यू इंटू एक्स होगा वो, और वो नीचे की साइड लग रहा होगा यहाँ पे, सही ना, ये डब्ल्यू इंटू एक्स यहाँ पे होगा, तो माइनस माइनस की साइड क्योंकि नीचे की साइड लग रहा है डब्ल्यू इंटू एक्स, और वो क्या होगा हमारा शेयर फोर्स कहाँ पे ए बी के ऊपर, फिर एट पॉइंट बी। अब एट पॉइंट बी अगर हमें देखना है तो बी पे देखिए, बी पे वही यहाँ से छुपाया, इसके पहले का पूरा ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा शेयर फोर्स कितना होगा डब्ल्यू एल अपॉन टू, तो है ही है ये वाला, इसके साथ साथ यहाँ पे ये और ये पूरा, इसके यहाँ का ये पूरा, ये कितना है डब्ल्यू इन टू एल माइनस डब्ल्यू एल, चूँकि ये तो नीचे लग रहा है तो माइनस लेना पड़ेगा, पूरा डब्ल्यू है और कितनी लेंथ में लग रहा है एल में, और ये प्लस क्योंकि बी पे कौन सा लग रहा है डब्ल्यू एल अपॉन टू पॉजिटिव लग रहा है, तो ये टोटल कितना आ गया ज़ीरो। आई थिंक हमें सारे के सारे पॉइंट्स पर हम निकाल चुके हैं और रीजन में भी निकाल दिया, ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, चलिए हम इसका कर्व ड्रॉ कर देते हैं यहाँ।
कटरों करने में सबसे पहले क्या लेते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, या फिर आप ये देख लीजिए जो पॉइंट लोड है वहाँ पे आप सबसे पहले स्ट्रेट लाइन खींचिए, उसके बाद देखिए हम फोर्स किस टाइप से आ रहा है। तो अगर हम देखें 8.8 हमने यहाँ पे क्या निकाला है, डब्ल्यू एल अपॉन टू, तो यहाँ पे डब्ल्यू एल टू पॉजिटिव वाला यहाँ तक चला गया। फिर उसके बाद ए पॉइंट पे तो यहाँ पर है ही है, फिर उसके बाद ए बी रीजन के अंदर क्या लग रहा है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में क्या एक्स और डब्ल्यू क्या इसका स्लोप, और वो भी नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन होगी, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो, अब ये देखना है कि ये इस पॉइंट को कहीं काटेगी या नहीं काटेगी, यहाँ पे ये वाली यहाँ पे कहीं पे काटेगी या नहीं काटेगी, तो उसके लिए हमें क्या रखना है कि इसको ज़ीरो रखना है, क्योंकि इस जगह पे जो है कौन से एक्स के लिए जो है वो शेयर फोर्स ज़ीरो हो गया, क्योंकि ये शेयर फोर्स ही तो है, ये शेयर फोर्स यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर हम इसको ज़ीरो देखें, डब्ल्यू एल अपॉन टू माइनस डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो फिर एक्स जो है वो आता है एल अपॉन टू, इसका मतलब एल बाई टू पे ज़ीरो हो रहा है और स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक आ गई। और इसके बाद अब ये बी तक जा रहा है और बी पे क्या है एल, तो यहाँ पे एक्स की जगह एल रख दो, तो डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल अपॉन टू ये माइनस का, तो माइनस का डब्ल्यू एल अपॉन टू बचा, तो माइनस का मतलब क्या है नीचे, इस लाइन से नीचे डब्ल्यू एल अपॉन टू, यहाँ माइनस नहीं मत लगाना क्योंकि हम पहले ही माइनस के लिए हम नीचे ले चुके हैं उसको इसलिए। और फिर बी पे आ गया और बी वापिस से क्या हो गया वो ज़ीरो हो गया, ये इसका शेयर फोर्स का डायग्राम बन गया। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा कि किस टाइप से हमने ये बनाया है। चलिए इसका बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं हर एक पॉइंट का, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना लेते हैं जिससे कि हमें वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम उस पर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे जल्दी से, जिससे कि हमारे पूरे जो कंसेप्ट हैं इस चीज़ को लेकर के वो सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या इसके लिए अलग से वापस एक बना लेते हैं जिससे कि हमें फायदा मिले। ये बीम थी, यहाँ पे डब्ल्यू एल अपॉन टू लग रहा था और इस पूरे पे लोड था डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का, और इसकी लेंथ क्या थी, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। अब निकालना है हमें बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए देखना है। तो ए से सबसे पहले उधर के फोर्स ले लो, फोर्स तो कम सा लग रहा है डब्ल्यू एल अपॉन टू, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डब्ल्यू एल अपॉन टू तो लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ए से कितनी हो गई ज़ीरो, तो फिर बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया डब्ल्यू एल अपॉन टू इंटू ज़ीरो, तो ये कितना आ गया ज़ीरो। फिर क्या रीज़न के अंदर ए बी, वही वापस हम प्लान लेंगे एक, यहाँ पे सब में वही वही की वही कथा वापस से दोहरानी है कि मतलब किस टाइप से करना है। तो रीज़न क्या होगा एक्स, एक्स यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स, और फिर एक्स कहाँ से कहाँ तक वही कर रहा है ज़ीरो से एल तक। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट निकालना है हमें, अब बेंडिंग मोमेंट क्या कहता है, अगर मान लीजिए हमें इसी पे निकालना है और ये इसके इधर का पूरा छोड़ दो, उधर का देखो सिर्फ, और आप उधर का देखोगे तो क्या फोर्स इंटू उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस भी प्लेन पे निकालना है। अगर हमें कोई सा प्लेन ले लो, हम सिर्फ एक्स एक्स वेरिएबल लिया भी, तो फिर कौन से प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे निकाल रहे हैं हम, तो एक्स डिस्टेंस पर है, मान लिया हमें एक्स है और एक्स हम वेरी करते रहेंगे तो आ जाएगा। तो हम ए डब्ल्यू एल अपॉन टू का देखते हैं सबसे पहले, तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, पॉजिटिव लेंगे डब्ल्यू एल अपॉन टू इंटू एक्स इसमें होगा, और इसके बाद पूरे इसका देखेंगे फिर, क्योंकि ये भी तो यहाँ पे लग रहा है फोर्स, आपको समझ में, ये भी तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और ये कितना है वैसे तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसमें कितना है डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर, उसका मतलब क्या हुआ एक के अंदर अगर डब्ल्यू है तो एक्स के अंदर कितना होगा डब्ल्यू एक्स, वो लग कहाँ रहा होगा, लग रहा होगा इसके सेंटर पे, और इसका सेंटर कहाँ है अगर एक्स है तो यहाँ पे होगा वो, और उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे x।
एक्स अपॉन टू, क्योंकि ये टोटल एक्स है, टोटल एक्स है तो यहाँ पे कितनी होगी, फिर ये एक्स, ये भी टोटल एक्स होगी, और फिर यहाँ पे फिर ये कितनी होगी, एक्स अपॉन टू, एक्स बाई टू, एक्स का आधा ही तो होगा, आधा इधर होगा आधा इधर होगा, क्योंकि जितना भी फोर्स है वो उसके सेंटर पे तो लग रहा होगा, इतना ही बच गया इधर, इधर इतना ही बच गया इधर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स अपॉन टू, तो फोर्स कितना लग रहा है ये ध्यान से देखिएगा आप। अब ये तो एंटी क्लॉक वाइज नेगेटिव आएगा, तो सही ये नेगेटिव आएगा, ये तो अपन को समझ में आ गया। इसके बाद इस पर फोर्स कितना लग रहा है, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स इन टू उस जो प्लेन है उससे उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, आई थिंक आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कैसे। तो ये कितना हो गया, डब्ल्यू एल डॉट एक्स अपॉन टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये बेंडिंग मोमेंट आ गया। किस रीजन में, ए बी रीजन में। अब एट पॉइंट बी देख लेते हैं कि बी पॉइंट पे क्या होगा। एट पॉइंट बी देख लेते हैं। अब बी पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे, यहाँ पर हमने ले लिया, और ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स हमारा, अब क्योंकि ये हमारा एक्स एक्स जैसे यहाँ पर हमारा प्लेन आ गया। वो अगर नहीं देखना सीधा तो फिर ऐसा भी कर सकते हो कि इसके अंदर जो है बी पे कितना है, एक्स एल है, ऐसा शेयर फोर्स में मत करना कभी भी, शेयर फोर्स अलग होता है, आप बेंडिंग मोमेंट में चीज कर सकते हो। तो एक्स अगर एल है, ए बी रीजन में अगर दो कोई सा भी पॉइंट हो, शेयर फोर्स का तो हमें अलग अलग निकालने पड़ते हैं पॉइंटों पर, इसके अंदर आप सीधा का सीधा डाल सकते हो। तो बी पॉइंट है सीधा यहाँ पे दिख रहा है, तो बी पे क्या है, एक्स कितना हो जाएगा एल, तो इसमें एल डाल दो, एल डालोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डब्ल्यू एल इन टू एल, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू, तो टोटल करोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। अगर ऐसे भी नहीं करना तो फिर ऐसे कर सकते हो, ये यहाँ पे देखा, इसके इधर देखा, ये फोर्स है तो डब्ल्यू एल अपॉन टू, बेंडिंग मोमेंट अगर हमें निकालना है, डब्ल्यू एल अपॉन टू इन टू उसके परपेंडिकुलर कितनी है, एक्स, हाँ एक्स तो आई है, पर एक्स की वैल्यू भी हमें दी हुई है एल, क्योंकि हम तो मैक्सिमम तक ले रहे हैं, यहाँ पर एल हो गया, फिर माइनस का साइन, क्योंकि अब इसके अलावा ये फोर्स हो रहे एक ये वाला, आई थिंक आपको ये ज़्यादा हो गया और आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला जो फोर्स है ये यहाँ पर वापस से लग रहा होगा, ये कितना होगा, डब्ल्यू तो है ही 1 मीटर का, तो एल का, एल का कितना होगा, डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू एल इंटू उसकी जो कितने उस पर लग रहा है, वो लग रहा है यहाँ से एल बाई टू पर इंटू एल अपॉन टू, तो बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया, जीरो, फिर डब्ल्यू एल स्क्वायर पॉइंट टू, डब्ल्यू एल स्क्वायर पॉइंट टू, आपको समझ में आया होगा किस टाइप से हमने किया ये यहाँ पे। चलिए हम इसका भी एक ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से, वही वापिस से जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, पॉइंट लोड है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, अब देखिए पॉइंट ए पे कितना था, जीरो, जीरो दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो हो गया, चलो ब्लैक से बना लेते हैं, जीरो हो गया। पॉइंट बी पे कितना दिया हुआ है यहाँ पे, हमने अभी निकाला था जीरो, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, जीरो हो गया, इसका मतलब दो जीरो हो गए, यहाँ पर भी जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो होगा, यहाँ पर कैसे कैसे रूमेगा, ये डिवाइड करेगा कि ए बी के रीजन के अंदर। अब बी के अंदर आपको थोड़ी मैथ आती है तो आपको ये पता होगा कि ये किसका है, पैराबोला की, पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है और वो भी कौन सा, डाउनवर्ड पैराबोला, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाला, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम होगा, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड कैसे बनते हैं, ऐसे वाले बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं ना, तो उनका तो सिर्फ मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम तो इनफाइनिटी होता है, तो इसका मैक्सिमम जो आएगा वो कहाँ आएगा, इसका जो डेरिवेशन होगा उसके जीरो पे, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। और हमें कल मतलब लास्ट ही हमने लेक्चर दिया था कल वाला, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बेंडिंग मोमेंट होता है डी एम अपॉन डी एक्स अगर हम करेंगे तो क्या आता है, शेयर फोर्स। आई थिंक आपको ये पता होगा कि हमने कल ही इसको पढ़ा है, बेंडिंग मोमेंट का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो शेयर फोर्स आएगा, पर तब भी हम इसको वापस से करके देख लेते हैं, तो क्या आएगा, डब्ल्यू एल अपॉन टू डी एम अपॉन डी एक्स अगर हम करते हैं, डब्ल्यू एल अपॉन टू तो यहाँ से आ गया, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, यहाँ से टू आएगा, टू से टू कट जाएगा, इक्वल्स टू जीरो, एक्स जो आया वो आया एल अपॉन टू, इसका मतलब एल अपॉन टू के ऊपर इसका मैक्सिमम होगा, क्योंकि डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड कैसे पता लगा, ये नेगेटिव है यहाँ पर,
एडिशन से पता लगा डाउनवर्ड है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इससे हमें पता लगा पैराबोला है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक्स बाई एल बाई टू है, और देखिए ये शेयर फोर्स था। अभी हमने क्या किया यहाँ पे, जो इस ये शेयर फोर्स ही तो है, शेयर फोर्स को हमने क्या किया यहाँ पे, ज़ीरो किया है। और यहाँ पर भी देखिए ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि शेयर फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है इस वाले पॉइंट पर, और इस कारण से यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है जो मैक्सिमम हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू अगर आपको निकालनी है सीधा इसके वाले जो भी फॉर्मूला था, इसके अंदर आप एक्स को एल बाई टू पुट कर दो। अगर आप एक्स को इसके अंदर एल बाई टू पुट करोगे एक्स को, तो फिर क्या निकल के आएगा, देखिए डब्ल्यू इंटू एल तो है ही है, इंटू एल बाई टू करोगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन फोर माइनस डब्ल्यू एल बाई टू करोगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट पूरा क्या आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट, ये है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट। तो राइटिंग में मत जाइएगा, तो फिर यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट। हालांकि हम बाद में ये सारी चीज़ें याद करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें सीधे फॉर्मूले में यूज़ करनी पड़ेंगी। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कैसे हो गया। तो ये बेंडिंग मोमेंट का भी डायग्राम हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम ना होगा, हमने शेयर फोर्स ही डाल दिया, बेंडिंग मोमेंट डाल दिया, इस टाइप से शेयर फोर्स भी निकाल लिया, बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लिया, शेयर फोर्स डायग्राम भी बना दिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी इसके लिए बना दिया। सो आई थिंक आपको ये पूरी चीज़ क्लियर हुई होंगी किस टाइप से हमने ये चीज़ किया है। तो चलिए इस पूरे के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छा सा, जिसके अंदर हम पॉइंट लोड भी ले लेंगे साथ में, जिससे कि कंसेप्ट काफ़ी अच्छे ढंग से हमारे क्लियर होते हैं। में सिंपली सपोर्टेड मैक्सिमम टाइम पे हमको सिंपली सपोर्टेड ही दिया हुआ होगा। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 5 किलो न्यूटन का, मिडल में भी लगा देते हैं 5 किलो न्यूटन का ही, एक्चुअली इसको आधा ले लेते हैं, पूरा से क्या करेंगे आधा ले लेते हैं, आधे का भी कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझ आ जाए आपको कि किस टाइप से होता है। अगर थोड़े पार्ट में भी दिया हुआ होगा इसको भी हम ये ले लेते हैं 5 किलो न्यूटन पर मीटर, और इनकी लेंथ है वो ले लेते हैं हम 6 मीटर ले लेते हैं यहाँ से भी, और 6 मीटर भी यहाँ से। ये आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ होगा, और सीधा सीधा वही है, फाइंड बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स एंड रो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शेयर फोर्स डायग्राम। तो हमारी सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहला 3 चीज़ें होती हैं जो हम सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स शुड बी ज़ीरो, एक्स में तो कोई फोर्स ही नहीं तो ऑलरेडी है। दूसरा हमारा क्या होता है यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ वाई शुड बी ज़ीरो। अब यहाँ पे चीज़ आती है, हम अज्यूम करते हैं, यहाँ पर पॉइंट भी ले लेते हैं ए बी और सी, समेशन ऑफ एफ वाई शुड बी ज़ीरो। अब यहाँ पे एफ बाई यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि ये ऊपर की साइड लग रहा है क्या है इसमें आर ए, और यहाँ पर ऊपर की साइड लग रहा है ये है आर सी, यहाँ पे आ गया होगा समझ में पूरा। तो चलिए अब ऊपर की साइड कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये लग रहा है और ये लग रहा है, तो आर ए प्लस आर सी शुड बी इक्वल टू, नीचे साइड कौन सा लग रहा है, ये 5 और ये 5, 5 प्लस 5, और ये कितना है 5 किलोमीटर पर मीटर है, मतलब 1 मीटर के अंदर 5 है तो 6 के अंदर कितना हो गया 30 प्लस 5 × 6, और ये डाउनवर्ड है नीचे की साइड है क्योंकि नीचे की साइड ही लग रहा है ना ये पूरा का पूरा, तो आर ए प्लस आर सी शुड बी इक्वल टू 40 किलोमीटर। ये हमारी पहली इक्वेशन में, और दूसरी जो तीसरी चीज़ क्या करते हैं हम, समेशन ऑफ मैं मोमेंट अबाउट जेड इक्वल टू ज़ीरो, कोई सा भी पॉइंट ले लो कोई सा भी, हम सबसे ए लेते हैं मैक्सिमम टाइम पर, चलो ए ले लेते हैं वापस से ए, अगर मोमेंट अबाउट ए ज़ीरो होना चाहिए, ए के अबाउट
तो फाइव का तो जीरो हो ही गया क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जीरो हो गई। अब दूसरे का देखते हैं, इस फाइव का ये कैसे घुमा रहा है, इसको क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेते हैं। फाइव इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, सिक्स प्लस। अब ये फाइव है, ये पर पूरे में फैला हुआ है, पूरे में फैला हुआ तो हम इसको कैसे मानेंगे, सेंटर ऑफ मास पर मान लेंगे, और सेंटर ऑफ मास का कहाँ है, इसके मिडल में होगा। अब ये सिक्स है तो इधर कितना होगा, थ्री, और ये भी थ्री होगा, सही ना। और ये टोटल फोर्स इधर लग रहा होगा, टोटल फोर्स, और टोटल कितना है, फाइव कितना है, एक मीटर में है, तो टोटल कितना हो गया, थर्टी। तो इस साइड पे कितना लग रहा होगा, ये थर्टी, थर्टी इस जगह पे लग रहा होगा, और थर्टी इधर लग रहा है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, सिक्स और थ्री नाइन, थर्टी इंटू नाइन। और ये किस में, क्लॉकवाइज घुमाना, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये आर सी आ गया, फिर माइनस आर सी, माइनस इसलिए क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, ट्वेल्व प्लस इंटू ट्वेल्व, और ये कितना होना चाहिए, ज़ीरो। ये कितना हो गया, थर्टी प्लस टू सेवेंटी माइनस ट्वेल्व आर सी, सो की ज़ीरो। तो आर सी कितना आ गया यहाँ से, थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, टू जीरो ट्वेंटी फोर, सिक्स फाइव ट्वेंटी फाइव। तो यहाँ से आर सी कितना आ गया, ट्वेंटी फाइव। अगर हम आर सी ट्वेंटी फाइव आ गया तो हम इसके अंदर आर सी रखे आर ए निकाल देंगे, आर ए फिर कितना आ गया, फिफ्टी किलो न्यूटन के अंदर ही पूरा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में किलो न्यूटन दिया हुआ है हर एक में। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी किस टाइप से आया है ये। हमने सब कुछ निकाल लिया यहाँ पे, आर ए की वैल्यू निकाल ली, आर सी की वैल्यू भी निकाल ली, ये इंपॉर्टेंट होता है। हमें सबसे पहले सारे सारे फोर्स निकालने पड़ते हैं, जो भी फोर्स होंगे सारे सारे, हमारे पास अब सारे फोर्स आ गए हैं। चलिए अब हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालते हैं, उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं और उसका फिर डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम बीम बना लेते हैं हमारे मेन के लिए, जिससे कि फ़ायदा रहे। ये साइड से यहाँ पे फोर्स लग रहा है कितना, आ रही कितना था, फिफ्टीन, और ऊपर से लग रहा है फाइव, यहाँ पर फाइव, ये फाइव किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पर कितना लग रहा है, ट्वेंटी फाइव। ये हो गया। अब पॉइंट ए और बी, सो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए। अब ए पे निकालना है शेयर फोर्स, यहाँ पर भी है ना एक पॉइंट, तो बी यहाँ पर देंगे इसको, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए निकालना है। ए तो सीधा ए, फिफ्टीन ऊपर लग रहा है, फाइव नीचे लग रहा है, ऊपर हमारा पॉजिटिव होता है, फाइव फिफ्टीन में से फाइव गए तो फिफ्टीन माइनस फाइव इक्वल्स टू टेन किलो न्यूटन, ये तो बहुत आसानी से निकल गया। अब निकालना है हमें शेयर फोर्स एट पॉइंट एट रीजन में निकालना है, तो हमें ए बी के अंदर, अब ए बी के अंदर में निकालना है। तो सबसे पहले हम वही वही कथा, यहाँ से पहले एक्स एक्स लो, फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस ले लो एक्स, और देखो यहाँ पर छुपा लो इससे पहले का जो कौन कौन से बच रहा है, कितना आ रहा है, फिफ्टीन और फाइव है अभी भी, अब तक तो हम बहुत ही खतरनाक होंगे इस चीज़ में, फिफ्टीन फाइव है तो अभी भी कितना है, टेन है, तो शेयर फोर्स कितना है, इसकी रेंज अभी लिख देते हैं, शेयर फोर्स है इक्वल टू, इधर वाले हम नहीं लगा सकते, इधर वाले हम चाहो तो तुम लगा सकते हो वैसे तो, पर इक्वल टू दोनों में मत लगाना, दो ज़ीरो एक्स, और एक कहाँ तक जा रहा है, सिक्स तक जा रहा है, डिस्टेंस भी नहीं लिखी, सिक्स मीटर, सिक्स मीटर, सिक्स मीटर तक जा रहा है, सिक्स मीटर तक जा रहा है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं फिर शेयर फोर्स किस टाइप से वेरी करेगा, वेरी तो कहीं कर रहा है, कॉन्स्टेंट है, फिफ्टीन में से फाइव गया तो कितना आ गया वापस से, फिफ्टीन माइनस फाइव इक्वल्स टू टेन, वापस से किलोमीटर। अब वापस से आते हैं, वापस से एट, क्योंकि पॉइंट लोड आ गया एट पॉइंट बी। अब बी पे हम देखते हैं शेयर फोर्स, वापस से वही छुपा लो, उसके पहले का पूरा देखो, फिफ्टीन ऊपर लग रहा है पॉजिटिव आ गया, माइनस फाइव नीचे लग रहा है नेगेटिव आ गया, माइनस फाइव नीचे लग रहा है नेगेटिव आ गया, टोटल कितना आया है यहाँ से, फाइव फाइव टेन, तो ये फाइव किलोमीटर।
थिंक ये समझ में आई होगी किस टाइप से। फाइव ऊपर यहाँ पर छुपाया हमने इसको, 15 ऊपर लग रहा है पॉजिटिव आ गया, 5 नीचे लग रहा है नेगेटिव आ गया, 5 नीचे लग रहा है नेगेटिव आ गया, बी पे भी निकाल दिया। अब हमें निकालना है बी सी के अंदर, बी सी का रीज़न क्या है, 6 से एक्स जो है वो 12 के बीच में होगा, ये थोड़ा सा देखेंगे मजा आएगा इसमें, क्योंकि इसके अंदर हमारा UDL और पॉइंट लोड दोनों आ रहे हैं। ये हमारा x है अभी, मतलब x पहले यहाँ था पॉइंट ए पे, फिर वो चला ए बी के बीच में आया, फिर वो बी पे आया, वो बी सी के बीच में आ गया। अब बी सी के बीच में आते ही भाई सबसे पहले छुपा लो इसको, इसके इधर का पूरा देखो तो शेयर फोर्स हो रहा है। UDL वाला हम बाद में करते हैं, बाद में मतलब बी सी के अंदर सबसे आखिरी में वही लिखेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट लोड देख लेते हैं, 15 ऊपर की साइड पॉजिटिव, 5 नीचे की साइड नेगेटिव, 5 वापस नीचे की साइड नेगेटिव। अब ये आया UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये लग तो नीचे की साइड रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म माइनस आएगा, अब लग तो नीचे की साइड रहा है ये। अब ये देखना है कि है कितना, और है ये कितना, 5, 1 मीटर में कितना है, 5 है यहाँ पर, और 5 है, और तो फिर और ये, फिर ये कितनी है, फिर ये है x माइनस 6, ये डिस्टेंस कितनी, x माइनस 6, क्योंकि टोटल x है, टोटल x है, और b से पहले तक का हम b से पहले तक का ले नहीं सकते क्योंकि इस जगह पे तो है ही नहीं है UDL, तो इसलिए हमें 6 माइनस करना पड़ेगा टोटल x में से। तो फिर ये कितना आया, 5 x माइनस 6। आई थिंक ये चीज़ आप क्लियर हुई होगी, वापस बता देता हूँ मैं एक बार और, ये हो गया 15 ऊपर, 5 नीचे, 5 नीचे। अब ये हमारा ये बचा, ये बचा ये, इसका है कितना, 5 किलोमीटर पर मीटर, मतलब हर मीटर के अंदर, मतलब 1 मीटर में, तो सीधा ऐसा करता हूँ, 1 मीटर के अंदर कितना दिया हुआ है, 5, तो फिर इतना जो है ये, और ये है कितना, ये है x माइनस 6, तो x माइनस 6 में कितना होगा, 5 इंटू x माइनस 6। अब शेयर फोर्स इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं कि क्या है, मतलब वही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15, 5, 5, 10, फाइव माइनस 5x प्लस 30, तो शेयर फोर्स जो है वो आएगा यहाँ पे 25 माइनस 5x। चलिए फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पे क्या आ रहा है, 35 माइनस 5x, ये 30 और 35 आ जाएगा, 35 माइनस 5x। अब एट पॉइंट सी, सी पे अगर हम देखेंगे तो 15 ऊपर शेयर फोर्स सीधा, आप तो बहुत जल्दी लिखेंगे हम हरी सारी चीज़ें, अब तक आपको समझ में आएगा, 15 ऊपर पॉजिटिव, 5 नीचे माइनस, 5 वापस से नीचे माइनस, ये टोटल कितना है, क्योंकि अब तो टोटल ले सकते हैं हम इसको, और हमें ये तो अभी शेयर फोर्स में तो मतलब ही नहीं होता, ये लग कहाँ रहा है, बस ये देखना है कि टोटल फोर्स कितना है, 5 इंटू 6 कितना आ गया, माइनस 30 नीचे की साइड लग रहा है, और ये ऊपर की साइड लग रहा है प्लस 25। इस पूरे का अगर हम सम करते हैं टोटल तो आएगा 15, तो यहाँ पर आएगा 5 का 5 माइनस 5 आएगा, तो ये कितना आ गया, 0, शेयर फोर्स सी आ गया 0। चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं, आई थिंक आपको पूरा का पूरा शेयर फोर्स जो है ये पूरा पूरा समझ में आया होगा कि किस टाइप से हमने सारा का सारा पॉइंट्स को निकाले। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ जहाँ पर पॉइंट रोल लग रहा है वो तो आप ले ही, उसका जो इम्पोर्टेंट है वो अपने आप आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए कितना है, 10 दिया हुआ है, पॉजिटिव का दिया हुआ है ऊपर, यहाँ पर आ गए शेयर फोर्स एट रीजन ए बी, पहले पॉइंट डाल दो ए बी सी, शेयर फोर्स एट पॉइंट रीजन ए बी कहाँ पर है, ये रहा, इसमें कितना रहा, 10 ही रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो 10 तक आ गया, स्ट्रेट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ए बी पूरे के अंदर ही वो कितना रहा है, 10 रहा है यहाँ पे। अब
फिर देखने स्टे 8.20 एयरफोर्स कितना आ गया, 5 किलोमीटर। इसका मतलब है कि ये 5 तक गिरा है, 10 था और 5 पे आ गया, इतना यहाँ पर नीचे आया है। यहाँ पर ये यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है अभी 5। और यहाँ से बी और सी का देखना है हमें, बी और सी यहाँ पर दिया हुआ है और बी और सी के अंदर क्या चल रहा है। ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, सही कहा, स्ट्रेट लाइन भी कौन सी वाली, नेगेटिव स्लोप की। इसका मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो हमें एक पॉइंट तो इसका पता है, ये वाला बी पे कौन कहाँ पर है। अगर हमें इसका दूसरा पॉइंट भी मिल जाए सी, तो हम दोनों पर सीधा लाइन खींच देंगे और हो जाएगा काम। स्ट्रेट लाइन को ऐसे भी तो खींचा जा सकता है, तो एक पॉइंट सी मतलब कोई सी तरीके से कर सकते हो आप। इसके अंदर पहले डालो एक्स और वो सब भी करोगे तो भी वो वही सेम आएगा, स्ट्रेट लाइन है यार। तो फिर ये यहाँ पर हम सी सी है और सी पे कितना है, 12 है। अगर मैं 12 इसके अंदर धर दूँ तो इसके बाद इसका जो भी आएगा वैल्यू शेयर फोर्स का, वो उस जगह पे पॉइंट पे होगा सी पे जो शेयर फोर्स है। अगर मैं इसके अंदर एक्स इक्वल्स टू 12 धरता हूँ तो 12 × 5 कितना हो गया, 60 माइनस का और 35 पॉजिटिव का, तो इसका मतलब शेयर फोर्स इसमें से कितना आया, -25। इसका मतलब क्या हुआ कि वो -25, इसका मतलब नीचे तक जा रहा है, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक नीचे तक, क्योंकि ऊपर 10 इतना लिया है तो हमें थोड़ा तो नीचे देखना नहीं पड़ेगा, इसे इस जगह पे जाएगा 8.C। और 8.C पे अगर हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, 0 हमारा सी से जस्ट पहले तक है, और 8.C पे कितना है, 0। इसका मतलब ये यहाँ चला गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अरे यहाँ पर थोड़ा समझ में आया होगा किस टाइप से हमने किया, ये यहाँ पर 25। अगर आपको ये निकालना है कि ये यहाँ पे कहाँ पे इसने काटा है, तो सबसे सिंपल सा होता है ये जो है हमारे शेयर फोर्स का, इसको 0 पुट करो, इक्वल्स टू, इसको अगर हम इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 35 माइनस 5x इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ रहा है, 7। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 7 के ऊपर शेयर फोर्स 0 हो रहा है। और एक्स कहाँ से ले रहे थे हम, हमेशा ए पॉइंट से, ए पॉइंट से हम ले रहे थे ना एक्स, ये और ए पॉइंट कहाँ, यहाँ पे, यहाँ एक्स ये रहा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये तो हमें 6 दिया हुआ है, और एक्स इक्वल टू ये कितना हो गया फिर, 1 मीटर, क्योंकि 7 पे 0 हो रहा है ना। कहते हैं आपको अब ये भी निकाल सकते हो आप तो, कि कौन से पॉइंट पे ये 0 हो रहा है। चलिए अब ये निकालो, शेयर फोर्स हमने निकाल लिया, शेयर फोर्स डायग्राम भी हमने बना लिया, अब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं और उसका भी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम भाई पहले बीम बना लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सही रहे समझने में। यहाँ पे 15 किलोमीटर ऊपर लग रहा है, नीचे की साइड 5 किलोमीटर है, नीचे की साइड वापस यहाँ पे 5 किलोमीटर है, यहाँ पे बीम और यहाँ पे 25 किलोमीटर ऊपर की साइड, और ये कितना है, 5 किलोमीटर पर मीटर, ये 6 मीटर है यहाँ पे, और ये भी 6 मीटर। यह बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट 8.A, यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। आप भी मेरे से निकालते चलिए, आपको भी फायदा रहेगा इस चीज़ के अंदर। अब 8.A निकालेंगे हम, तो बेंडिंग मोमेंट तो वही होता है, इससे पहले का पूरा छुपा लो और वो सब। तो यहाँ पर तो ये दो फोर लोड लग रहे हैं, 15 और 5, तो इस पर पेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 है, क्योंकि पेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं। अब हम रीज़न लेते हैं ए बी के अंदर, ए बी के अंदर हम लें तो भाई सबसे पहले यहाँ पे वो मानो एक्स एक्स प्लेन, और ये डिस्टेंस कितना होगा एक्स, ए बी के अंदर लिया है तो एक्स वेरी वेरी कहाँ से करेगा, 0 से 6 तक करेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं ये यहाँ पर है, इससे पहले का पूरा लेते हैं। इससे पहले का तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड है तो 15 और 5 है, दोनों की लेंथ कितनी होगी, सेम होगी, तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, 15 × x
क्योंकि पॉजिटिव है, ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये फाइव एंटी क्लॉकवाइज। और इसकी भी लेंथ कितनी होगी, एक्स ही होगी, फाइव माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया टेन एक्स। बेंडिंग मोमेंट ए बी के अंदर टेन एक्स पर चलेगा। अब देखना है एट पॉइंट बी पे क्या होगा। बी पे अगर हम एग्जैक्टली तो वापस से भाई अभी जो है ये हमारा ये प्लान ये बी पे आ चुका है। बी पे अगर आ गया तो हम बी पे देखते हैं, तो फिर यहाँ पे हो गया, इससे पहले के जितने फोर्स होंगे वो सारे ले लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट 15 इंटू एक्स तो है ही, और यहाँ पे माइनस 5 इंटू एक्स, उसके अलावा जो है 5 ऊपर से लग रहा है ये माइनस 5 इंटू, अब इसकी लेंथ कितनी, ज़ीरो होगी यहाँ पे तो, क्योंकि ये तो प्लेन ही उस पर है। और बेंडिंग मोमेंट का क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही इसके 5 की कितनी, ज़ीरो। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर कितना आ गया, और ये एक्स कितना है 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 10x, और एक्स कितना है 6, तो ये कितना हो गया 60। अब बी पी निकाल लिया हमने, अब देखते हैं बी सी रीजन में एक्स कहाँ से कहाँ तक वही वेरी करेगा, 6 से एक्स वेरी करेगा 12 तक। अगर इसमें आपको बी प्रॉब्लम पे और तरीके से निकालना है, तो ये जो है ये भी हमारा ए बी का ही है, तो इस वाले के अंदर आप बी की वैल्यू यहाँ पे एक्स की जगह 6 रख दोगे तो भी ये बी पे आ जाएगा, और वो देखिए आप सेम आ रहा है 6 रखोगे 60। बी सी के अंदर देखें, अब बी सी के अंदर देखेंगे तो हम यहाँ पे आ गया हमारा जो प्लान था एक्स एक्स, और ये डिस्टेंस ऑफ एक्स है। तो वही हमारा रूल सीधा, इससे पहले का पूरा छुपा लो, और पूरा छुपा लोगे तो कौन सा आ रहा है 15। बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा 15 इंटू एक्स, एक्स डिस्टेंस है यहाँ से, तो इसको देखिए फोर्स इंटू पर डिस्टेंस एक्स, क्लॉकवाइज घुमा रहा है पॉजिटिव लेंगे, माइनस 5 इंटू एक्स, एक्स उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब इसके कितनी है 5, ये भी देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, माइनस में लेंगे फिर माइनस 5 इंटू, फिर यहाँ पे क्या होगा, अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है बस, और ये कितनी है फिर एक्स, तो है ही है पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की एक्स माइनस 6। अगर इस पूरे में से मैं ये घटा दूँ तो ये बचेगा, तो यहाँ पे क्या देगा एक्स माइनस 6। और ऐसा कि ऐसा ही जो है ये वाला हम ले सकते हैं कि ये वाला जो रीज़न है यहाँ पे ये इसका लोड कितना है, इसका लोड होगा कि जो 5 है पूरे लेंथ का, पूरे इसका 5 है, हर एक मीटर का 5 है, तो इतनी जो लेंथ है इसका कितना होगा, तो 5 इंटू दैट लेंथ ये होगा ना, और नीचे की साइड लग रहा है, नीचे की साइड लग रहा है तो फिर क्या होगा, ये भी नेगेटिव की साइड होगा माइनस 5, और ये इतनी लेंथ कितनी है ये हमने अभी निकाल ली, कितनी एक्स माइनस 6 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये फोर्स लग खा रहा होगा, इतनी जो लेंथ है इसके मिडल में लग रहा होगा यहाँ पे, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, इतनी जो लेंथ है इसके मिडल में लग रहा होगा, और ये है कितनी ये लेंथ, ये है एक्स माइनस 6, तो एक्स माइनस 6 के मिडल में लग रहा होगा, तो एक्चुअल में इसको फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई, एक्स माइनस 6 का भी हाफ, क्योंकि ये आधा इधर होगा ना, सेंटर पर लग रहा है इसलिए, तो ये कितना होगा एक्स माइनस 6 अपॉन 2। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, तो फिर ये बेंडिंग मोमेंट जो इस वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर अगर हम इसको सही ढंग से सॉल्व करें तो ये आएगा यहाँ पर आ जाएगा 10x माइनस 5x माइनस 6 माइनस 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, चलो इसको और अंदर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5x माइनस प्लस 30, 10 या 10x था यहाँ पर माइनस 5x का, तो 5x हो जाएगा माइनस 5x माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 2, ये बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट आएगा, अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट
सी सी पे भी निकाल लेते हैं। सी पे निकालते हैं अपन, तो फिर सी पे निकालेंगे तो भाई ये यहाँ पे चलेगा, उससे पुराना पूरा लेगा, उससे पुराने में क्या आएगा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू 15, तो है ये इंटू एक्स, क्योंकि एक्स तो अभी यह हो गया, माइनस 5 इंटू एक्स, क्योंकि 5 का भी इतना ही होगा, फिर यहाँ पे एक और 5 लग रहा है, -5 x, क्यों सीधा सीधा हम उसकी लेंथ लगाते हैं 12, या फिर हम यहाँ से निकाल लो, इसको निकालना है तो बी सी है, यहाँ पे सी में कितना होगा, एक्स की जगह 12 रख दो, इस वाले में एक्स की जगह 12 रख दो, चलो यहीं से निकाल लेते हैं, ये थोड़ा सही रहेगा, तो फिर यहाँ से हम निकालेंगे इसका, तो 12 रखोगे तो यहाँ पर आएगा 1500 1600 1700 1800, प्लस 30, यहाँ पे 60 आएगा, 60 प्लस 30, उसे दिमाग काम बनाऊंगा, -5, और यहाँ पे क्या आएगा 6 का स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना आएगा 90, माइनस 5 इंटू, यहाँ पे आएगा ये 36 अपॉन 2, अगर इसको यहाँ से करें तो ये कितना आएगा 18 18 इंटू 5 19, तो ये तो 0 हो गया यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्या आ गया 0। आई थिंक आपको एक चीज़ समझ में आई होगी किस टाइप से हमने किया है। चलिए इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, हर एक पॉइंट पे हम निकाल चुके हैं अभी, हम ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया, तो देखिए सबसे पहले ए पॉइंट पे क्या है, 0 0 है, तो यहाँ पे 0 हो गया, और ए बी के अंदर किस पे जा रहा है, 10x, 10x क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन है, और बी पॉइंट पे क्या है 60, तो यहाँ पे 60 ये आ रहा है यहाँ पे, और ये स्ट्रेट लाइन होती है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। इसके बाद अब बी सी, बी सी के ऊपर क्या है, ये तो एक पैराबोला है, और वो भी कैसा माइनस लगा हुआ है बाहर, इसका मतलब क्या है डाउनवर्ड पैराबोला, और डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे बनता है, और ऐसे बनता है तो यहाँ पर इसके कहीं ना कहीं पर मैक्सिमा आया होगा, हमें ये देखना है कि अब ये पैराबोला है जो ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है कि ये ऐसे बन रहा है, तो हमें इसका क्या होगा DM/dx=0 करके देखना पड़ेगा, और ये क्या होता है हमारा शियर फोर्स, और इसका मतलब DM/dx=0 करने का मतलब क्या होगा, शियर फोर्स जीरो करना, तो शियर फोर्स जीरो होकर आ रहा है, ये हमें देखना है, तो शियर फोर्स जीरो यहाँ हो रहा है। देखिए आप सीधा ग्राफ से करिए, हर हर चीज़ आप ग्राफ से करिए, जब इतना सीखा है तो फिर हम सीधे से करेंगे ना उसको, फिर सीधा ग्राफ से करिए, तो फिर ये यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो है शियर फोर्स जीरो हो रहा है, और शियर फोर्स जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा होगा यहाँ पे इसका, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम ही हो सकता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे मैक्सिमा होगा, तो चलिए हम इसका देख लेते हैं फिर ग्राफ आगे, ये यहाँ से फिर ऐसे इस यहाँ पे इसका मैक्सिमा आएगा, और फिर नीचे ले लेगा अपने आप को, यहाँ पर इसकी 60 किलोमीटर है यहाँ पे इसका, और अगर हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर जो एक्स है, एक्स को हम कितना रख देंगे 7 7, इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यू है शियर फोर्स कितने पे जीरो हुआ था, 7 पे जीरो हुआ था, और यहाँ पर भी हमें क्या है शियर फोर्स 7 पे जीरो, और यहाँ पर ही 7 पे जीरो हुआ था, और यहाँ पर ही क्या है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम ले रहा है, तो यहाँ पर ही हम उसको डाल देंगे एक्स की जगह 7, और जब हम एक्स की जगह 7 डालेंगे तो शियर फोर्स कितना निकल के आएगा, तो आप देख लीजिएगा कितना आता है, आई थिंक ये 62.5 आता है, ये यहाँ पर 62.5 आएगा, यहाँ से इस टाइप से फिर यहाँ से डाउनलोड करेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी 62.5 होगी, यहाँ पे 60 हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये पूरा का पूरा ही पॉजिटिव है।
ये शेयर फोर्स डायग्राम और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ताकि आपको पूरा चीज़ समझ में आई होगी किस टाइप से हम UDL का निकालते हैं। अभी तक हम पॉइंट आउट कर लिया, UDL भी कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम UVL के बारे में बात करेंगे कि उसका किस टाइप से निकाला जाता है। ये हमने क्वेश्चंस भी इस पर सॉल्व कर लिए जिससे कि दोनों का मतलब दोनों से मिलके किस टाइप से क्वेश्चंस बन गया। साथ ही आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं नवका शर्मा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, गुड नाइट।